हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरजे किचन। आज हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे आटे के भी खाए होंगे आपने, सूजी के भी, बट आज हम बनाने वाले हैं चावल के गोलगप्पे। उसके लिए हमने लिए हैं एक कटोरी समा के चावल। उसे अच्छे से हमने कर लिया साफ और उसका एक फाइन पाउडर बना लिया। और अगर आप लेना चाहें तो इसका आटा भी मार्केट में मिलता है, आप उसको लेकर भी आराम से बना सकते हैं गोलगप्पे। सबसे पहले हमें आटा लेना है, उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी करने के बाद इसको हमें गूंदना है। और एक कटोरी आटे में कम से कम आपके 50-60 गोलगप्पे इजीली बन जाएंगे, जिसको आप घर पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए जो पानी बनाया है वो हमने बनाया हरी चटनी का, उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे पहले वीडियो में जाकर दे सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब इसको हम गर्म पानी के साथ अच्छे से डो बनाएंगे। इसके अंदर कोई भी चिकनाई हम नहीं डालेंगे, सिर्फ ये गर्म पानी से ही गूंदा जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से बनाना है हमको। और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्रिस्पी होता है। और इसकी जो स्टफिंग है वो हमने बनाई है आलू के साथ। आलू उबाल लिया और उसको छील लिया, उसके ऊपर आप जो भी मसाला डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, लाइक चाट मसाला, या फिर आप प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं उसकी स्टफिंग में। ये देखिए, इसको हम आराम से गूंदेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, जैसे सूजी के होते हैं उसी तरह से ये उतने ही क्रंची बनते हैं। बट इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आज हम बनाएंगे चावल के आटे के गोलगप्पे। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे, इसका टेस्ट आपको कैसा लगा, या आपके फैमिली मेम्बर्स में बच्चों को कैसा लगा। तो ये देखिए, डो को हम अच्छे से मिक्स कर अच्छे से बहुत ही थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये हो चुका है हमारा डो रेडी। और आपको भी ऐसे ही बनाना है। उसके बाद इसकी छोटी छोटी लोइयां बेलेंगे। और इसका ध्यान रखिए कि जब भी आप गोलगप्पा डालें कढ़ाई के अंदर तो ये सिर्फ एक ही बेलन से बनाना है, अगर आप दो मारेंगे तो वो फूलेगा नहीं। छोटी छोटी लोइयां बनाइए, एक बार में करिए और कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए। और इतनी देर में मैंने इसका ये बनाया है डो, गोलगप्पे बेले हमने रख लिया है कढ़ाई। और इसकी जो चिकनाई है वो बहुत ही तेज गर्म होनी चाहिए, इससे गोलगप्पे फटाफट से फूल कर अच्छे से क्रंची हो जाएंगे और आपको खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए, हमने एक डाल दिया। मेन जो ध्यान रखना है वो सिर्फ एक छोटी सी बात है कि आप इसको सिर्फ एक ही बार में बेलें। ये देखिए, हमारे गोलगप्पे एक एक करके हमने सारे कढ़ाई में डाल दिए और ये बहुत ही अच्छे से फूल भी गए हैं। और अब टाइम है इनको फटाफट से खाने का। ये देखिए, बहुत सारे गोलगप्पे बनाए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर और अब ले लेते हैं हम एक छोटी सी गोलगप्पे के लिए स्पेशल प्लेट। और अब ले लिया हमने एक गोलगप्पा, जो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा इस साइड से, क्योंकि आज जो मेरा जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ वो मोबाइल मेरा टूट चुका है, मैं दूसरे से बना रही हूँ तो उसे थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा। ये देखिए, मैंने आलू और धनिया की स्टफिंग बनाई है, धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है इसके ऊपर, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम लेंगे घर में ही बनाया हुआ गोलगप्पों का पानी। ये देखिए, आप इसको चम्मच से भी डाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ग्लास के अंदर डालिए या कटोरी के अंदर, बट मैं चम्मच से ही डालती हूँ। ये देखिए, तो आज की रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि ये चावल के आटे के गोलगप्पे आपको कैसे लगे। आज की रेसिपी होती है यहीं पर कंप्लीट। वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय समा के चावल के टेस्टी गोलगप्पे।